Hello everyone. So the next chapter under cost management which we are starting is called contract costing. Now what is called contract costing and why it is done specifically? अब होता क्या है, कई बार हमने देखा होगा ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को बनाया जाता है। अब जब भी ऐसे चीज़ें कंस्ट्रक्ट की जाती हैं तो होता क्या है कि उनमें टाइम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के वो चले जाते हैं। बिकॉज कई बार तो कस्टमर की नीड ऐसी होती है कि उनको कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है, या फिर वो इतने मेजर स्केल पर परफॉर्म किए जाते हैं कि उनको विद इन 1 ईयर कंप्लीट करना मुश्किल है। अब हमें पता है कि हम जब भी अकाउंट्स ड्रॉ करते हैं तो हम तो 1 ईयर के ड्रॉ करेंगे, बट अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील करते हो फॉर कंप्लीटिंग एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, तो उसके साथ 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, उसके साथ पूरे उस ड्यूरेशन का कॉन्ट्रैक्ट होता है जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए। मतलब वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के ऊपर काम करता है, फॉर 1 ईयर काम नहीं करता। अब इससे क्या है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रॉब्लम्स कैसे कि हमने खर्चा तो अपने अकाउंट में 1 साल का रिकॉर्ड करना है या इनकम अपने 1 साल की रिकॉर्ड करनी है, बट जब हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं पेमेंट्स हम कब कर रहे हैं, कभी 8 महीने बाद, कभी 9 महीने बाद, कभी मोर देन 12 मंथ्स के बाद, कभी हम एट द एंड कंप्ली पे करते हैं कंप्लीटली। तो हमारे जो खर्चे हैं और हमारा जो फॉर्मेट है ड्रॉ करने का, वो दोनों में डिफरेंस आ गए। अब उन चीज़ों को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ड्रॉ की जाती है, उन प्रोजेक्ट्स में जो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग ड्रॉ किए जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं चाहे वो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, और उनके खर्चों को इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, उनमें आपने मटेरियल को, प्लांट एंड मशीनरी को कैसे रिकॉर्ड करना है, ये चीज़ें हमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बताता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के थ्रू आपको ये भी पता लगेगा कि आपका काम कितनी स्टेज तक कंप्लीट हो चुका है, मतलब अभी कितना काम पेंडिंग है, कितना काम उसके अकॉर्डिंग आपको कितना खर्चा होना चाहिए था, आपको आपके कॉन्ट्रैक्टर को कितना पे करना चाहिए बाय द एंड ऑफ 4 मंथ्स 12 मंथ्स, वो आपको सब कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के थ्रू पता चलेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या है कि सभी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक अकाउंट ड्रॉ किया जाता है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब ये अकाउंट नॉर्मल पैटर्न डेबिट क्रेडिट साइड के फॉर्म में ही बनाया जाता है, बट इसमें जो आइटम्स को पोस्ट किया जाता है उनको पोस्ट करने का जो मेथड है वो डिफरेंट है। सो वी विल बी नाउ इन दिस वीडियो स्टडिंग कि कैसे डिफरेंट आइटम्स को आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। आपको क्वेश्चन आएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पर ही आएगा, उसी के ऊपर 15 5 मार्क्स हर एक तरह का क्वेश्चन बनता है। सो नाउ लेट्स सी हाउ दैट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हमारे पास 2 पर्टिकुलर्स के कॉलम रहेंगे और 2 हमारे पास अमाउंट्स के कॉलम रहेंगे। एक तरफ हमारे पास जितना भी मटेरियल हम रिसीव कर रहे हैं, चाहे कोई प्लांट एंड मशीनरी रिसीव कर रहे हैं तो उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, और एक तरफ हमारे पास जो भी आउटसाइड आइटम्स हैं जो हम भेज रहे हैं या जो डिस्ट्रॉय हो गई, लॉस हो गया, वो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। अब आइटम्स को रिकॉर्ड कैसे करना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक खर्चा आता है वो आता है मटेरियल का एक्सपेंस और रिसिप्ट। उसको मटेरियल की ही एक्सपेंस को और मटेरियल की रिसिप्ट को कैसे रिकॉर्ड करना है, अब वो पार्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। नाउ इफ वी नोटिस, हमारे पास जब भी मटेरियल हमने रिकॉर्ड करना है हम करेंगे 2 मटेरियल। कौन सा मटेरियल, जो हमने या तो परचेज किया है, वो मटेरियल जो हमने किसी और स्टोर से इशू किया है, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा था मटेरियल हमने उसको यहाँ पर ब्रॉड डाउन कर लिया, या वो मटेरियल जो आपने किसी और कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पर मूव किया है। कई बार क्या होता है, हमारे 2-3 कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। अब किसी एक कॉन्ट्रैक्ट की स्पीड कम है, किसी की ज़्यादा है, तो हम अपने मटेरियल को इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो जो सामान आप किसी और कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ मंगवा रहे हो उसको आप रिसीव्ड पार्ट में ही डालते हो। तो ये होती है आपके वो एक्सपेंस, वो चीज़ें, वो रिसिप्ट्स रिगार्डिंग मटेरियल जो आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में पोस्ट करते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इनमें से हर एक आइटम ही आएगी, आपकी कोई भी आइटम हो सकती है। अब आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट रहेगा, इट विल बी रिगार्डिंग द मटेरियल, बट वो आपकी पेमेंट साइड कैसे आएगी उनको हम चेक करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड साइड में आइटम्स आएंगी अगेन रिगार्डिंग मटेरियल, वो ऑपोजिट होंगे।
जैसे आपने अगर मटेरियल परचेज किया था तो यू रिकॉर्डेड हियर, बट अगर आपका कोई भी मटेरियल आप सेल आउट कर रहे हो तो वो आपका आएगा इस साइड, बाय मटेरियल सोल्ड. अब अगर आप अपने मटेरियल को लॉस पर बेच रहे हो तो आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल. अब ये तो आ गया परचेज का ऑपोजिट. सेकेंड है इशूड फ्रॉम स्टोर. आपने स्टोर से कोई मटेरियल लिया था, अब अगर आप उसको स्टोर में रिटर्न कर रहे हो तो बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर. आपने अगर किसी और कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल रिसीव किया था, उसका ऑपोजिट ये हो सकता है कि आप किसी और कॉन्ट्रैक्ट को मटेरियल दे रहे हो तो बाय मटेरियल ट्रांसफर टू अदर अकाउंट. अब कई बार क्या होता है कि हमारा जो मटेरियल कुछ होता है वो हमारी साइट पर ही पड़ा है. साइट पर पड़े रहने का मतलब कि साल के एंड में हमने उसको ना तो स्टोर में रिटर्न किया है, उसको उस कंस्ट्रक्शन साइट पर ही पड़ा रहने दिया है. उसकी रिकॉर्डिंग भी आपकी अलग से होती है, दैट इज़ कॉल्ड बाय मटेरियल एट साइट. दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल जो साइट पर पड़ा है. इसको आप ओपनिंग बैलेंस की फॉर्म में नेक्स्ट साइट पर रिकॉर्ड करोगे इन द नेक्स्ट ईयर. देन हमारे पास एक खर्चा होता है मटेरियल का, जो अगर तो आपका थेफ्ट की वजह से या फायर की वजह से नुकसान हुआ है तो उसको भी हम अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं. अब यहाँ पर यू सी, अगर आपको लॉस हुआ है मटेरियल का सो यू आर रिकॉर्डिंग इट हेयर, बट अगर आपको प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट. अब ये क्या है आपका, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल. क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल को किस पर बेचा है, कैसे बेचा है. प्रॉफिट होगा तो इस साइड आएगा, लॉस होगा तो आपका इस साइड आएगा. सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग मटेरियल. अब हम क्या करेंगे, मटेरियल के बाद हमारा पास जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आती है वो आती है रिगार्डिंग प्लांट. तो अब हम प्लांट के रिगार्डिंग अपनी एडजस्टमेंट चेक करेंगे कि वो किस तरह की होगी. उसकी भी हम पोस्टिंग करेंगे, कुछ इस साइड भी पोस्टिंग होती है, कुछ आपकी इस साइड भी पोस्टिंग रहेगी. सो प्लांट के रिगार्डिंग जो हमारी एडजस्टमेंट रहेगी, अगेन मटेरियल की तरह ही सेम है. अगर आप कोई प्लांट परचेज करते हो तो वो यहाँ पर आएगा. अगर आप कोई भी प्लांट को ऐड करते हो, मतलब परचेज किया है, उसमें कोई इंस्टॉलेशन हो रही है, वो आएगा. या फिर क्या है, आपने प्लांट आपका कोई भी था वो साइट पर पड़ा था ओपनिंग, जो ओपनिंग आपका रहेगा बैलेंस वो यहाँ पर आएगा. ये आपका पार्ट रहेगा रिसिप्ट में, जिस भी फॉर्मेट में आप प्लांट रिसीव कर रहे हो वो आपकी यहाँ पर पोस्टिंग हो जाएगी. जो नेक्स्ट हमारा रहता है वो रहेगा हमारा पेमेंट साइड या फिर आपका ऑपोजिट साइड, बाय प्लांट. अगर आपका साइट पर कोई भी क्लोजिंग बैलेंस पड़ा है, आपका कोई भी प्लांट साइट पर ही पड़ा है, वो आएगा, बट वो आपका आफ्टर डिप्रिसिएशन आएगा. जो आप परचेज की अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे हो वो कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर रहे हो, बट जो साइट के ऊपर आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको हमेशा आफ्टर डिप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड करना है. देन आपका जो रहेगा प्लांट सोल्ड का केस, अगर आप परचेज कर रहे हो तो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया था, सेल कर रहे हो तो यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे. अब अगर आप सेल करते हो, आपको कोई लॉस होता है तो लॉस आपका आएगा बाय P&L, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट. अगर आप प्लांट को बेचते हो और आपको प्रॉफिट होता है तो वो आएगा 2 P&L, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट. आप जैसे इसको कंबाइन किया है मैंने, आप वैसे इन दोनों को, मटेरियल और प्लांट के लॉस को भी कंबाइन कर सकते हो, सब हेडिंग में अलग अलग मेंशन करके मेन हेडिंग बाय P&L सेम लिख सकते हो. आपने कोई मटेरियल प्लांट रिटर्न किया है टू द स्टोर, वो भी आप आफ्टर डेप्रिसिएशन लिखोगे, या किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न किया है वो. आपका कोई प्लांट गुम गया या कोई भी फायर के कारण डिस्ट्रॉय हो गया तो वो भी बाय प्लांट लॉस्ट, स्टोलन और डिस्ट्रॉयड. अब यहाँ पर बी वेरी केयरफुल. मैंने देखो मटेरियल को लिखा, हर एक चीज़ को लिखा है अलग अलग, बाय मटेरियल एट साइट, बाय मटेरियल रिटर्न, बट मैंने प्लांट को हर एक की सब हेड बनाकर लिख दिया. आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, आपका कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है. आप चाहे मटेरियल को मेन हेड लिख के उसकी सब हेड्स बना देते तब भी करेक्ट था, चाहे आपने ऐसे लिखा चाहे ऐसे लिखा, बोथ वेज आर राइट. यू कैन चेंज योर प्रेजेंटेशन एज पर योर कन्वीनियंस. अब यहाँ पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के मेन तो जो दो पार्ट्स होते हैं वो कवर हो चुके हैं. इसके अलावा हमारे बहुत माइनर एक्सपेंसेस रहते हैं जो हम रिकॉर्ड करते हैं. सो नाउ वी हैव अ चेक कि वो कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं. सो द रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस और द अदर आइटम्स विच वी हैव टू रिकॉर्ड, आपको कुछ साइट एक्सपेंसेस दिए होंगे. साइट एक्सपेंसेस मतलब जिस जगह पर काम हो रहा है वहाँ के कुछ खर्चे, कुछ उसमें से डायरेक्ट होंगे, कुछ इनडायरेक्ट होंगे, तो आपको उनको रिकॉर्ड करना है.
अगर किसी का कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस पेंडिंग है तो वो भी हम क्या है उनमें ऐड करके शो करेंगे। देन आपके पास कुछ सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट गिवन होगी, वो आपको शो करनी है। टू कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, अब ये क्या है जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। इसके अलावा आपको नेक्स्ट साइड पर एक आइटम को रिकॉर्ड करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। इसमें दो आइटम्स आती हैं, एक आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब कितना प्राइस चार्ज किया गया है वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने का, एंड सेकेंड आता है कॉस्ट ऑफ वर्क डन, कौन सा जो एक्स्ट्रा हुआ। एक आपने कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन यहाँ डाला और एक आपके कॉन्ट्रैक्टी ने लिया, तो कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हम कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में डालेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है अगेन वी विल डू इन आर नेक्स्ट वीडियो। अब एक बार आपने ये सारी की सारी आइटम्स को रिकॉर्ड कर लिया, मतलब मटेरियल की रिसिप्ट, मटेरियल की पेमेंट, प्लांट की रिसिप्ट, प्लांट की पेमेंट, बाकी एक्सपेंसेस या बाकी का रिसिप्ट पार्ट आपका, अगर तो प्रॉफिट आएगा उसको बोलते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका लॉस आएगा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द वेरियस आइटम्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। और इसमें सबसे मेजर जो होता है वो तीन आइटम्स होती हैं, मटेरियल, प्लांट, एंड थर्ड जो रहती है वो रहती है आपकी कॉन्ट्रैक्टी की अमाउंट जो आपने पोस्ट करनी है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट आइटम्स विच आर रिकॉर्डेड एवरी टाइम। सो वी विल बी डूइंग फर्दर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।